नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गल्फ कंट्रीज़ ने इंडिया को पुशबैक किया। इंडिया ने कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज़ के साथ बातचीत करने की कोशिश की, टेंपर्स को लो डाउन करने की कोशिश की। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन ने इंडिया के लिए स्टेटमेंट इशू किया, इंडिया ने उसको काउंटर किया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया की तरफ काफ़ी फ्रेंडली हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, वहाँ पर जो इंडिया के एम्बेसडर्स पोस्टेड हैं, उनको वहाँ की सरकार से डायरेक्टली बातचीत करने को बोला गया। अब इस कंटेक्स्ट में तीन चार चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो पहली चीज़ ये निकल के आई है कि जो नुपुर शर्मा ने ओवरऑल स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट को लेके एक टूल किट डिज़ाइन की गई पाकिस्तान के द्वारा, और इस टूल किट के थ्रू पाकिस्तान ने एक एंटी इंडिया प्रोपोगंडा चलाया, जो प्रॉफिट साहब के ऊपर रिमार्क्स दिए गए थे इसको लेके पूरी दुनिया में। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोपोगंडा था पाकिस्तान का, इसमें पाकिस्तान जीत गया। कतर की तरफ से स्टेटमेंट शुरू किया, कुवैत की तरफ से, ईरान की तरफ से, और उसके बाद से 16-17 गल्फ कंट्रीज यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देती हुई नजर आई। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ टेररिस्ट वार्निंग्स भी आई हैं, और बहुत सीरियस टेररिस्ट वार्निंग्स आई हैं। अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे ये बोला है कि हम दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में इंडिविजुअल बेसिस पे सुसाइड अटैक्स करवाएंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक की धमकी ओपनली अलकायदा की तरफ से आ रही है, और ऑब्वियसली बात है ये धमकी काफ़ी सीरियस हो सकती है आगे आने वाले समय में। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसको ओवरऑल मॉनिटर कर रही हैं, कितना सीरियस है ये धमकी, कितनी नहीं है, किस हद तक ग्राउंड लेवल पे क्या कर सकती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, इसको इस समय पे वेट किया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे उठता है कि ये जो गल्फ कंट्रीज़ ने इंडिया के अगेंस्ट बैकलैश दिखाया था, इसको लेके इंडिया इतना यहाँ पे क्यूरियस क्यों हो गया, इतना सेंसिटिव क्यों हो गया, और इन गल्फ कंट्रीज़ के प्रति जो इंडिया की आउटरीच है, इसको इंडिया इतने सीरियसली क्यों ले रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखो तो यूएई के साथ हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और उसके बाद हमारा एक टारगेट है कि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है इसके साथ भी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में कितने मेंबर्स आते हैं? 6 मेंबर्स आते हैं। एक है सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सबने ही इंडिया को यहाँ पे वार्निंग इशू कर रखी है। तो बीजेपी के जो दो स्पोक्स पर्सन थे उनको अभी के लिए यहाँ सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नुपुर शर्मा को यहाँ पे सिक्योरिटी भी दी गई है, क्योंकि ओपनली इनको बहुत से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से थ्रेट आया है कि तुमको मार देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे, ओपनली माफ़ी मांगो। हालांकि अपने स्टेटमेंट से विड्रॉ कर चुके हैं, बट उसके बाद भी इनसे माफ़ी मांगने को बोला जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज़ की इंपॉर्टेंस देखें, ऑयल, गैस एंड ट्रेड, और जो इंडियंस गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तीन चीज़ें याद रखिएगा। एक तो ऑयल एंड गैस, और ऑयल एंड गैस के साथ कुछ हद तक ट्रेड जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑयल एंड गैस का एक मेजर ट्रेड करते हैं। हालांकि वी एज अ कंट्री बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं यूएई वगैरह को। उसके बाद अगर आप देखिए तो गल्फ कंट्रीज़ में बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बात की जाए लगभग 1,36,00,000 इंडियंस बाहर के देशों में जाके काम करते हैं। अगर मिलियन में बात की जाए तो 13.46 मिलियन, बेसिकली ये भारतीय सिटीजन है लेकिन दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो इनको आप कह सकते हो एक प्रकार के एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडियंस और बाहर के देशों में रह के काम कर रहे हैं। आप कह लीजिए 1,34,00,000 या फिर वही मतलब 1.34 करोड़ लगभग आप मान लीजिए। अब अगर उन इंडिविजुअल्स को आप काउंट कर लो जो कि इंडियन थे, बाहर के देशों में गए और वहाँ के नागरिक बन गए, मतलब हैं इंडियन ओरिजिन के लेकिन अब दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं, अगर उन भारतीय मूल के व्यक्तियों का नंबर आप इस 13.46 मिलियन में जोड़ दोगे तो 32 मिलियन हो जाएगा। मतलब 3,20,00,000 ऐसे लोग हैं जो कि या तो इंडियन हैं और बाहर के देशों में रह के काम कर रहे हैं, या फिर एज एन इंडियन वो बाहर के देश में गए थे लेकिन वहाँ की नेशनैलिटी लेके वो वहीं पे सेटल हो गए। अब अभी के लिए इन 32 मिलियन को छोड़ देते हैं, रीज़न बीइंग कि अब वो वहाँ के नागरिक बन गए, इंडिया के नागरिक नहीं रहे हैं तो उनको काउंट करना सही नहीं है। जो अभी के लिए 1,34,00,000 लोग हैं जो कि बाहर के देशों में हैं और इंडिया के नागरिक हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा तबका है वो है यूएई का। लगभग 34,00,000 से ज़्यादा इंडियंस यूएई में रह के काम करते हैं, 26,00,000 से ज़्यादा सऊदी अरेबिया में रह के काम करते हैं, 10,00,000 से ज़्यादा कुवैत में रह के काम करते हैं। और अगर आप इन तीन कंट्रीज को ही जोड़ दो, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, तो टोटल एनआरआईज के 50% से ज्यादा हो गया। मतलब टोटल एनआरआईज के 50% से ज्यादा तो केवल तीन गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया और कुवैत। और देखा जाए जो टोटल रेमिटेंसेस इंडिया के अंदर आई हैं 2020 में वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से, ये थी $83.15 बिलियन, जिसमें से 50% से ज्यादा गल्फ कंट्रीज से आई हैं। जितनी रेमिटेंसेस इंडिया के अंदर आती हैं अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 2016-17 का डाटा ये बताता है कि लगभग 26.9 ऑलमोस्ट 27% रेमिटेंस इंडिया के अंदर यूएई से आई। दूसरे नंबर पे नंबर था यूएस का 22.9%, सऊदी अरेबिया से 11.6%, कतर से 6.4,
कुवैत से 5.5, ओमान से 3%। मतलब कि हमारी जो रेमिटेंसेज आती हैं, मतलब हमारे देश के लोग बाहर जाके जो काम कर रहे हैं वो जब अपने घरों में पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोला जाता है। तो जो टोटल रेमिटेंस इंडिया के अंदर आती है उसकी 50% से ज़्यादा गल्फ कंट्रीज से आती है, सबसे ज़्यादा यूएई से, दूसरे नंबर पर यूएस आता है। फिर जरा ये ऑयल एंड गैस और ट्रेड वाले फैक्टर पे आ जाते हैं। देखिए इंडिया की जो 84% पेट्रोलियम डिमांड है, जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम वाली है, वो हम इंपोर्ट के थ्रू पूरा करते हैं। हमने $77 बिलियन के लगभग 239 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की इंडिया के अंदर। आप कह सकते हो पिछले साल के टोटल इंपोर्ट का 20% तो हमारा ऑयल पेट्रोलियम से रिलेटेड इंपोर्ट था। हमारी जितनी भी ऑयल की रिक्वायरमेंट से 84% हम इंपोर्ट करते हैं। अब 2021-22 की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल बेचा है किसने? इराक ने। इराक का जो शेयर है वो 2009-10 में 9% था, वो 22% पे आ गया। सऊदी अरेबिया ने तेल भेजा लगभग 17-18%। एक समय था जब ईरान वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स टू इंडिया, बट चूंकि यूएस सैंक्शंस लग गए तो अभी के लिए हम ईरान से केवल 1% से भी कम तेल खरीद रहे हैं। अगर हम कंट्री वाइज डाटा देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन के आई हैं इंडिया की। यूएई के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यूएई इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, और इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो हमने 2021-22 में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स किए हैं यूएई को $28 बिलियन के, और सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हमने इम्पोर्ट किया है यूएई से $45 बिलियन। हमने यूएस से लगभग $43 बिलियन का इम्पोर्ट किया है, यूएई से $45 बिलियन का, चाइना से तो खैर हद से ज़्यादा इम्पोर्ट किया। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ चाइना से हमने कितना इम्पोर्ट किया 2021-22 में। तो यूएई एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के लिए, और रिसेंटली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। यूएई के थ्रू हम लोग जीसीसी और दुनिया के मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जैसा हमने यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है वैसा ही जीसीसी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस इतने लोग यहाँ पे यूएई और जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता इन कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते तोड़ना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन कंट्रीज के लिए भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत स्ट्रांग वर्डर स्टेटमेंट इन कंट्रियों ने भी नहीं दिए हैं। और जिन कंट्रीज देखिए, शुरुआत में कतर, कुवैत और ईरान ने शुरुआत की, उसके बाद बाकी कंट्रीज ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि उनके यहाँ पे एक बड़ी अरब मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसको पैसिफाई करना जरूरी है, नहीं तो उस पॉपुलेशन को लगेगा कि हमारी सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर टोटल बायलेटरल ट्रेड देखा जाए यूएई के साथ तो वो था $72.9 बिलियन, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएई इंडिया का। नंबर वन पे कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट्स $1.19 ट्रिलियन, मतलब $119 बिलियन यूएस के साथ, चाइना के साथ $115 बिलियन और यूएई के साथ $72.9 बिलियन, मतलब तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया का कौन है? यूएई है। यहां पे यूएई की बात की जाए तो इंडिया ने जितना एक्सपोर्ट किया उसका 6.6% यूएई को किया है, और इंडिया ने जितना इंपोर्ट किया उसका 7.3% यूएई से मंगाया है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया के साथ 2021-22 में इंडिया का ट्रेड था $42.9 बिलियन, जिसमें एक बड़ी डेफिसिट थी। हमने एक्सपोर्ट तो सऊदी अरेबिया को कम किया है केवल $8.76 बिलियन का, इंपोर्ट किया है $34.1 बिलियन। इस $34.1 बिलियन में ज़्यादातर क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल के रिस्पेक्ट में सऊदी अरेबिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इराक फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का 2021-22 में $34.3 बिलियन पर, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा तेल हमने इराक से इंपोर्ट किया है 2021-22 में। कतर की बात की जाए तो कतर के साथ ओवरऑल बायलेटरल ट्रेड $15 बिलियन। कतर एक बहुत छोटी सी कंट्री है, अगर आप नक्शे पे देखें, यहाँ पे मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ, तो ये इधर आपको कतर नज़र आ रहा है, इधर और छोटा सा एक देश नज़र आ रहा है बहरीन, यहाँ पे कहीं कुवैत आपको नज़र आ रहा है, सऊदी अरेबिया यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, ओमान फिर भी यहाँ बड़ा है, यूएई कंपेरेटिवली ओमान और सऊदी अरेबिया से छोटा है, बट बहरीन, कतर, कुवैत से बड़ा है। ईरान तो खैर बहुत ही बड़ा बॉर्डर लैंड है, लेकिन ईरान और इन गल्फ कंट्रीज़ की भी आपस में नहीं बनती, बहुत से इश्यूज़ हैं। और ऊपर चले जाइए तो इधर आपको इराक नज़र आ रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा नेबरहुड है ना, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है और उसके बगल में जो ईरान वगैरह है, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंट्री वाइज भी हमने देखा कि क्यों सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और कतर। कतर की बात की जाए तो वैसे तो इंडिया का टोटल ट्रेड का 1.4% ही हम कतर के साथ कर रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज टर्म्स में तो कतर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया जितनी नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है उसकी 41% कतर से आती है, और बाद में देखा तो 11% यूएई से आती है। अगर ओवरऑल इंडिया का बायलेटरल ट्रेड अगर आप गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज के साथ देखें
तो वो है 154 बिलियन डॉलर। और गल्फ कॉपरेशन कंट्री से हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना 67 बिलियन डॉलर का, क्यों, चूंकि तेल और नेचुरल गैस आ रही है वहां से। तो इस कंटेक्स्ट में गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज ऑयल और गैस के ट्रेड के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, इस रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा आगे आने वाले समय में यूएई की तरह हम एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज के साथ जो एफटीए करेंगे वो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भले ही इन गल्फ के देशों की आबादी कम हो बट यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो एक बड़ा ही पोटेंशियल मार्केट है ये इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की अगर बात की जाए तो इस कंटेक्स्ट में ये गल्फ वाला इलाका हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कहीं ना कहीं इन गल्फ कंट्रीज के ऊपर हाइपोक्रेसी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दोस्तों देखिए, ये गल्फ कंट्रीज बढ़ा चढ़ा के चाइना के साथ ट्रेड करती हैं। अब इंडिया के अंदर जब ये स्टेटमेंट्स हुए तो इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो सुपरमार्केट स्टोर्स थे वो इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने लगे, और ये धड़ल्ले से चाइना के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जबकि चाइना में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है। उइगुर कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में सब कुछ सुना होगा आपने, ना तालिबान ना ये गल्फ कंट्रीज़ ये कुछ भी नहीं बोलती हैं चाइना को ओपनली। तो दिस इज़ द बिगेस्ट हाइपोक्रेसी ऑन बिहाफ ऑफ दीज गल्फ नेशंस। बट ठीक है, भारत सरकार डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती अभी के लिए, जो पोटेंशियल हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं हम उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ और फैसेट्स हैं, जैसे वाटर कंजर्वेशन हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, फ्रूट और वेजिटेबल प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, ये भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर डोमेन्स हैं जहाँ पे आगे आने वाले समय में पोटेंशियल ट्रेड बहुत ज़्यादा हो सकता है। अक्सर कर आपने सुना होगा कि जो अपोएडा है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, ये इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को गल्फ मार्केट्स में जाके मार्केट करता है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए लाने की कोशिश करता है। तो प्रायोरिटीज़ बहुत सारी हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स थे और जो स्टैटिस्टिक्स थी वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, और हो सके तो सुपर थैंक्स, ज्वाइन बटन दबा के जाइएगा।